बोलो दाग तो अच्छे होते हैं, दाग तो अच्छे होते हैं। एक खिलाड़ी आउट हो गया, अफसोस हो रहा है मुझे। मैं जिंदगी से आउट हुई पड़ी हूँ अभी। अनाड़ी खिलाड़ियों को कुछ नहीं पता फोन लेके सिर्फ स्टोरीज बनाने आती है। हमारी बचपन की कुछ याद और ये औरत मेरे हाथ से छीनते हुए। गेस द हैंड, ये लेटा हुआ क्या, इसका नाम है नसीम। ये प्यार रब का दिल आ गया। दुआएं बचा सकती हो, मैं यहाँ पे बैठ के करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं छक्का नहीं मारा। नो पता है कि पाकिस्तान के इस वक्त हालात काफी खराब है सैलाब की वजह से। मरदान वाली साइड पे बहुत ज्यादा जो है ना वो सिंध बलूचिस्तान सब साइडों में सैलाब आया हुआ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल खोल कर उनकी हेल्प करें। हमने भी किया है, लोगों ने तिनका तिनका करके जमा किया और एकदम से सब बह गया। रोज रोज उनकी हेल्प करें ताकि जो है ना वो उनके वो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, हमारे हमारे लोग हैं, सारे वहाँ पाकिस्तानी हैं, तो उनकी हेल्प करना हमारी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। यह नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी से बिल्कुल सो जाए, ठीक हो रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो करनी जरूर है। ये आपसे मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, ठीक है, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी, दिस इज मे इकरा कवा, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है इंडिया और पाकिस्तान का मैच, मगर मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ, दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान जीत जाए, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन टुनाइट। गेम शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे सॉन्ग्स वाला चैनल इकरा कवल के नाम से जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें यार। नीचे आई हूँ तो मेरे घर तो कुछ पकवान तैयार होते, मतलब मेरी अम्मा ने मजेदार टिकिया बनाई है। अब आज आप सैंडविच बना के दोगी? अपना मैं बना रही हूँ और मेरा भी जल्दी, और वो बना देगी तो आपने लिखना है ज़ैनब क्यूटी। बच्ची मिलने आई, इसका नाम है अभी, और ये बोलती भी है। मुझे लगा ये छोटा पीस बोलता नहीं है, वो बहुत बोलता है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अब बता ही नहीं, जो कैमरा बंद है, चल नहीं रहा। ये पिक्चर लेने आई है क्या? और किसकी वीडियोस देखती थी मुकर के बाद? सुपो भी है बच्ची, अभी ये कैमरा बंद होगा तो चालू हो जाएगी, ठीक है। कह रही है ठीक है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मेरे बालों का राज, सो मेरे बाल इतने हेल्दी कैसे हैं, मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, भारी हैं, शाइनी हैं, लंबे हैं, सिल्की हैं, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय शैम्पू टू यू गाइस। आई एम यूजिंग चिल्तन प्योर बायोटिन शैम्पू। ये आपके बालों में केराटिन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है विद रेगुलर इनटेक ऑफ विटामिन B7। उसके अलावा अगर आपकी स्कैल्प में इचिनेस है, आपकी जो है वो बालों में डेंड्रफ है, आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी बायोटिन शैम्पू बेस्ट है। आपने इसको जो है ना वो अप्लाई करना है बालों पे और 5 मिनट तक लगा रहने देना है, एंड देन आपने पानी के साथ इसको वॉश कर देना है, और ये आपके बालों को जो है वो गिरने से बचाएगा। बालों को का वॉल्यूम सबसे मेन चीज़ होती है आजकल के बालों के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। सो इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ चिल्तन प्योर। Go to description, वहाँ पे जाके order करें and buy yours. 7 बजने वाले हैं और मैच शुरू होने बल्कि बज चुके हैं। पाकिस्तान जो है वो टॉस हार गया है और बाबर आजम आउट भी हो गया है। ये देखिए, देख रहे हैं इस और औरत ने मुझको लेट करवाया ना, चैनल ढूंढ के रखा है ना कुछ, और खड़ी हुई है मेकअप ब्रश पकड़ के। मेकअप क्या हो रही है, नेचुरल स्किन है, जाओ इधर से, मेरा मेकअप छुट्टी हो रहा है, मस्कारा लगा रही है, बेस लगा रही है, और मैं नेचुरली ठीक हूँ क्योंकि मैंने कोई मेकअप नहीं किया। अभी अकेले मैच देख के पाकिस्तान के 19 स्कोर हो गए, मुझे ड्रिंक ला दो। वैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं मैच को, चश्मदीद देख रहे हैं। पेट्रियोटिज्म में रेड लिपस्टिक यार मुझे भी ला दो, मैं भी लगा लेती हूँ, दोनों ट्विनिंग करते जाओ, लिपस्टिक लेके आओ जल्दी। मुझे मैथ का मैच में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात, मुझे नहीं पता कौन कौन प्लेयर्स हैं और कौन क्या खेल रहे, सिर्फ बाबा आजम का पता है और एक वो आउट हो चुका है इस वक्त, तुमको पता है इसका नाम क्या? किसका? इसका नाम भाई इंडिया वाला, हार्दिक पांड्या। पांड्या हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम लोग जब देखने गए थे इतना बुरा लगा था, अल्लाह तौबा, इतना रश, इतनी लोग, गर्मी, और एक कतरे की समझ है, इससे अच्छा एलजीडी पे समझ आ रही है, लोग ऐसे खुश हो रहे हैं देखो। अच्छा आपको मैं बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ है? ये रात को भूख लगी थी तो फ्रिज में पड़ी थी पेरी पेरी बाइट स्पाइसी, मैंने वो खा ली सुबह उठी। बताती हूँ, पेरी पेरी बाइट वही जो हम लोगों ने नैंडोज में खाई थी, याद है आपको? और उसके बाद ये घर ला के आई लुक एट यू। हेलो,
फिर अब मेरा पेट खराब हो गया। तो इस लड़की का पेट जो है ना, आप कुछ खा नहीं सकती हूँ। मेरी लिपस्टिक लग गई, देखो सही लगी बिल्कुल परफेक्ट। कमेंट में बताएं कैसी लगाई है बिना शीशे के, एक्सपर्ट। पाकिस्तान ने छक्का मारा, टन टना टन 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 टारा। हमारा जमान आउट हो चुका है भाई, आदमी का बंदा था इसीलिए जो है ना वो अंपायर के कहने से पहले ही चला गया, वरना शायद इंतजार करता। बट होप फॉर द बेस्ट के इंडिया हार जाएगा, पाकिस्तान जीत जाएगा। ये बदतमीज एक औरत मेरे तंग कर रही है, पता नहीं मुझे दिखा नहीं, मुझे फील हुआ नहीं, मुझे फील हुआ मुझे मुझे मारा क्यों है। विकेट भी हो चुकी है और मेरा नेल भी टूट चुका है यार, जिसका मुझे सबसे ज्यादा अफसोस होता है। राबिया गेट पर सोन में भी मार एक ही जिंदगी हमारे पास में, भी आप नेल के दुखी मनाओ। हाँ मुझे दुख हो रहा है, बहुत मुश्किल से लंबा हुआ है। गंदी 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 मेरा ना एक ख्वाब है बताऊं, रोते हुए ड्राइविंग करना है? हाँ क्या होगा तो क्या होगा, मेरा ना ऐसे लड़ाई हो मेरे घर वालों से, आंखें रेड हुई और मैं घड़ी चला रही हूँ, टक्कर हो, बड़ा मजा आएगा। मम्मा कभी मेरे से लड़ाई करेंगी आप? नहीं अभी एक थप्पड़ लगा देती हूं, अभी देखना मुंह लाल है। एक बार मैं एक बार घर से भाग गई थी, मैं और फातिमा भागी थी घर पे, सारे कपड़े शॉपर में पैक कर लिए, मम्मा ने डांटा था तो पैक करके गली में निकल के रात को वापस आ घर आए, तो घर में किसी को फिक्र ही नहीं, ना किसी को परवाह, और किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि दोनों घर से गायब थी। घर का आपकी कीमत घर में ऐसी हो जैसे होने के बराबर है, तो फिर मैं जैसी लड़की भागे तो लोग दुखी मनाएंगे। यार विराट कोहली मुझे बहुत पसंद है इंडियन टीम से। बोलो दाग तो अच्छे होते हैं? नहीं अच्छे होते, पहले दाग अच्छे यार, गंदा एंगल मैं ले रही हूँ। अच्छा बोलो दाग तो अच्छे होते, दाग तो अच्छे होते हैं। गाइस बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसका पेट भी दर्द होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या था मुझे समझ नहीं आया। बोलने में दादी दाग तो अच्छे होते हैं, बोलो दोबारा बोलो, दाग तो अच्छे होते हैं। राबिया मैंने क्या किया यार, आज मैं ठीक नहीं, मेरा पेट खराब हुआ छोड़ने के फुल मूड में। बात बताऊं मैंने क्या किया था, मेरी सुबह उठ के ना मेरे पेट में गड़बड़ हो गई थी, अब से मैंने रात को कुछ नहीं खाना खाना। क्या जा रही हो लेट दो, रेस्ट करो, मैच तुम्हारे बस का रोग नहीं है। आप तो ऐसे मैच देख रही जैसे आप बहुत शौकीन है मैच की। मैं बचपन में बड़े शौक से देखा करती थी जब इमरान खान खेलता था। इमरान खान की सारी दुनिया फैन है। रबे राहुल मिल गया तुम्हारा अंजलि। पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है और इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि 5 विकेट्स हो चुकी हैं और हमारा एक और खिलाड़ी आउट हो गया है। तुम कैसे फोन यूज करी जा रही हो? मारू समझ नहीं आ रही मुझे, एक खिलाड़ी आउट हो गया, अफसोस हो रहा है मुझे, मेरी जिंदगी से आउट हुई पड़ी हूँ अभी। खिलाड़ी आउट हो गया, आपको आप खाने में मसरूफ। कौन जीतेगा बताए, कौन जीतेगा? सबका दिल जीतेगी। पहले कैमरा बंद करो फिर बताएंगी। ये कैसा बता रहा हूँ, सबके सामने बताया ना कौन जीतेगा। इतना बुरा एक छक्के के चक्करों में इन लोगों ने कैच कर लिया और हमारी एक विकेट हो गई है। आसिफ अली आउट हो गया और जज्बात बदलती है, मुझे दुनिया से छुट्टी चाहिए। यार क्या कर रहे हो पाकिस्तानी, अल्लाह का वास्ता बहुत जज्बात जुड़े हुए आप लोगों के साथ। आउट हो गया राबिया, तुम्हें कुछ खबर भी है सिर्फ तुम्हें रेड लिपस्टिक लगाने के अलावा? यार मैं अब क्या करूँ, मैं तबीयत नहीं ठीक अब यार। अच्छा 600 दफा जब इसे पूछो भी नहीं ठीक, मैं भी नहीं ठीक। अब आज मुझे भी कभी सैड देख ले, सारे खुशी देखते हैं। बीमारों की शक्लें ऐसी होती है, लोग बीमार होके भी अपना हुस्न नहीं। बस बस नाड़ी खिलाड़ियों को कुछ नहीं पता फोन लेके सिर्फ स्टोरीज बनाने आती हैं और अपना भी टाइम पे बात कर रही हैं, मुझे भी नहीं फन करने दे रही। मैं वो पेंडू डायलॉग सुनाओ, कहता था तुम्हारी जैसी बहुत है, एक मिनट तुम्हारा, कहता था तुम्हारी जैसी बहुत है, मैंने कहा ब्रांड है कॉपी तो होगी। रप्लिका राबिया, आप लोगों ने कमेंट में लिखना है रप्लिका राबिया, ब्रांड राबिया रप्लिका, क्योंकि मैं पहले दुनिया में ही मेरा रप्लिका है और ज़ैनब बी क्लास कॉपी। छक्का छक्का मारा, छक्का मारा, कमारा छक्का। हाँ क्या कर रही हो, व्हाट इज दिस बिहेवियर, सो क्रिंजी। हमारी इनिंग्स खत्म हो चुकी है लेकिन अगर पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की तो वी कैन विन दिस मैच एंड आई होप वी कैन विन। इंडिया जो है वो ओपन करने के लिए रेडी है। मैं आपको बताती चलूं कि अगर शाहनवाज बहुत अच्छा ना खेलता तो शायद हम मैच, हमारी जो एक जीतने की उम्मीद है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती, मगर शाहनवाज ने मैच को बहुत बहुत अच्छा कैरी किया है और अभी भी उम्मीद है। क्रॉस फिंगर, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट आई विश ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान टीम। फटाफट आउट करें इस खिलाड़ी को, जल्दी जल्दी जल्दी। माय गॉड, आउट कर दिया, आउट
कर दिया, आउट कर दिया। वेल डन पाकिस्तान टीम, बहुत अच्छा स्टार्ट किया है हमारी टीम ने। और ये देखें, ये औरत सो रही है, ये बीमार औरत सो रही है, कोई एक्साइटमेंट नहीं इसकी शक्ल पे। खा पी के देखे गंदाला वैसे और सोई भी है। अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। ओए होए 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 होए, यार इस बंदे की स्माइल कितनी अच्छी है। गुस्से से घूर रहा है भाई। विराट का कैच किंज छड़ देता है यार। विराट का अगर पकड़ा, विराट को आउट करना अगर हो जाता ना तो लेवल हो जाता, मगर कोई नहीं, हमारी टीम बढ़िया खेल रही है। दो स्कोर अभी, एक विकेट में। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। पता नहीं क्या हो गया है, माशत के जाए उनकी टंग टंग पे नस चढ़ गई। पाकिस्तान हल्की आज पे हारता हुआ नजर आ रहा। तुम्हें अपने चॉकलेट की, तुम इस पर बाल देखो अपने, खाने की पड़ी है इस बीमार औरत। मेरे को बाल पाकिस्तान जीतेगा, देखना जीतेगा। अगर पाकिस्तान जीत गया तो क्या, मैं लाइव आऊंगी कल इंस्टाग्राम पे अपने मेरे साथ, ठीक है। यार वो छक्के चौके मारी जा रहे हैं, मेरे से दिल को कुछ हुई जा रहा है, हुई जा रहा है। कैच 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 पकड़ा, क्या विकेट। कोहली आउट हो जा प्लीज, अच्छे लड़के नहीं कोहली, कोहली ने आउट होना है, मेरी पेशेंट को यह कोहली आउट होएगा। ओए कोहली क्या 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 कैसे कैच हुआ है। ओए 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 ओए, एड्डा बड़ा छक्का मार के, चौका मार के कैच करा रहा है। हाँ जी कोहली आउट हो गया, अब तुम्हें फुर्सत मिली है, जीत जाएगा। दुआ करने की बजाय रोटियां पकाई जा रही हैं इधर, दिल गुर्दा जिगर एक हुआ है आपकी। रोटियां गोली दुआ कर दी है मैंने कि पाकिस्तान जीते, वो चौके छक्के मारे जा रहे हैं, दिल बर्दाश्त हुई हुई हूँ। मैं आई हूँ किचन में, आवाजें आ रही हैं टक 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 टक, पता लगे। हार जीत तो फिर होती रहती है, हार जीत होती रहती है। रोटी गोल को सुकून में रहना चाहिए, दिल सुकून में है, रोटी बेचारी गोल होनी चाहिए, बाकी सब निकल जाता है। मैं राबिया बेचारी जाकर अपने कमरे में सो रही है। हमारी बचपन की कुछ याद, और ये औरत मेरे हाथ से छीनते हुए। गेस द हैंड, ए एक अंडा ले, एक अंडा राबिया का, तीन डाल दिए, एक अंडा जैनब का और एक अंडा मेरा। क्या पाकिस्तान ने अच्छा खेला नहीं है, हाँ मगर लक चल सकती है। यार अच्छा खेला हल्की आंच पे, शाहनवाज ने बड़ा अच्छा खेला है, अभी हम यहाँ बैठ के क्या कर सकते हैं। मेरी तो दुआ है कि सूर्या कुमार यादव को आउट कर दे, जो कि रैंकिंग में नंबर 2 पे है, बट आई विश के हुन एनु आउट करना, जे ए आउट हो गया तो फिर कुछ गेम बन सकती है। तो मैंने, मेरा दिल कह रहा है आउट हो जाना है। अब लिखा हुआ है कि चांस ऑफ इंडिया जो है ना वो जीतने का 54% है। नसीम आया है, नसीम तो कोई ना कोई शाकार करेगा। ओ यस, ये गया, ये मेरी तरह बबल खा रहा है, नाइस तरह बबल खा रहा है। आहा नहीं दिखाते ऐसे, इकरा कवल भी खा रही होती है। अब देखो चला कैसे बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ गई हूँ थक के, सो के नींदे पूरी करके। पहले मैंने मम्मा को लगाया मैं तुम्हें लगाऊं प्यारा कलर का, दुआ करो पाकिस्तान जीत जाए। पाकिस्तान जीतेगा। इसकी लेग में मसला हो गया यार, ये लेटा हुआ क्या, इसका नाम है नसीम, ये प्यारा रबिया का दिल आ गया। गाइस रबिया का नसीम पे दिल आ गया, चोट लगी है बेचारे को, आए वो कह रहा रबिया बीमार है, मैं भी गिर जाता। ये अच्छा लगा मुझे ये वाला, हिज हैंड्स प्यारा, हिज हैंड्स। ओ ये भी है, ओए उर्वशी जी तुम्हारी मम्मी लगती है यार, हम उसको टीवी पे देखते हैं, सेलिब्रिटी है। अभी कहाँ देख रहे हो टीवी पे, तुम्हारे घर तो नहीं आई हुई। लेकिन वो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर से मिल रही है, मिल रही है। हाँ वो तो उनके हारने पे खुश हो रही है, खुश हो रही है। हाँ तो वो अगले झंडे को अपना झंडा हिला रही है, तुम अपना झंडा हिलाओ, मेरे पास अपना झंडा। अब मैं थोड़ी बेहतर हूँ, फिर जब मेरी तबीयत खराब होगी फिर मैं बेड पे जाके लेट जाऊंगी। जाओ ना प्यारे पाकिस्तान, जी जाओ ना, हार्ट बर्दाश्त। जब हारेगा ना, अगर अल्लाह ना करे आप पाकिस्तान, फिर मैं गाना गाऊंगी, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। आई मेरी बाजू दर्द हो रहा, कभी ऐसे करके कभी ऐसे करके, कभी इस बात है कभी उस बात है। चलो हम आप ही से आज पूछ लिया कि आप भी को एक लड़के में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए। सबसे पहले तो वो रिस्पेक्ट करता हो, दूसरी बात केयरिंग हो, लविंग हो, गुस्सा। केयरिंग तो हर लड़की को चाहिए होता है ना, और बताओ। गुस्सा बिल्कुल ना करता यार, देखो जब आप जैसी लड़की हुई गुस्सा आ ही जाता है। बकवास ना करो।
अब देखो मासूमियत होनी चाहिए शक्ल में, फिर जैसी हूँ मुझे वैसी एक्सेप्ट करें। खुद तो आप में बड़े गुस्से हैं। अब 5 गोलों पे 7 स्कोर चाहिए इंडिया को, लेकिन पता नहीं क्या है पाकिस्तान के कोई आसार, दूर दूर तक दूरबीन भी लगा रही हूँ नहीं दिख रहे, कहा नहीं जा सकता। वैसे 3 गेंदें हैं 6 रन चाहिए, मैं तो कहती हूँ उनकी गेंदे जाया कर दो, कुछ तो कर दो, पाकिस्तान का मैच जीतना। फीलिंग आ रही है, मैं बिल्कुल टेलीविजन के पास आके बैठ गई हूँ। हाँ एक बहुत 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 बुरी तरह फंसा हुआ है, दुआएं बचा सकती हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं छक्का नहीं मारा, नो हार्दिक पांड्या ने पांड्या कर दिया है यार, इंडिया जीत गया। कोहली कुछ हो रहा है, कोहली तुम जीत हो या हार हो, हमें तुमसे प्यारा पाकिस्तानी हो, बड़ी मेहनत की है। मम्मा ने कहा था पाकिस्तान जीतेगा, क्यों नहीं जीता? हार जीत होती रहती है, हार ये के माँ बाप ये के जीत जाओ तो खुश, तो हार हो तो दुख होता है। मम्मा ये जिंदगी का दस्तूर है, हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं, खिलाड़ी तो है ना, फिर खेलेंगे फिर जीतेंगे, खिलाड़ी तो है ना यार, फिर खेलेंगे फिर जीतेंगे। बहुत अफसोस हो रहा है, दिली तौर पे सदमा लगा है, इतना टाइम बैठ के मैंने मैच देखा और फिर पाकिस्तान मैच हार गया, शायद यही बेटा थी कि मैंने देखा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगला मैच हम जीतेंगे कभी जिंदगी में। बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। बी पॉजिटिव, मैं यहाँ पे आई हूँ, पॉजिटिविटी प्लान है क्या था? आई स्पेंड पॉजिटिव। गाइस पाकिस्तान ने मैच जो बहुत अच्छा खेला, ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर हारे हैं तो इट डजंट मीन कि हम अच्छा खेले नहीं है, मैच वन साइडेड नहीं था, टू साइडेड था, जम के मुकाबला किया, मजबूत होकर मुकाबला किया और बड़ा फैंटास्टिक जो है ना वो खेला है। हार जीत तो होती रहती है खेलों में, तो इंशाल्लाह फाइनल में इनको मिलेंगे और फाइनल में हराएंगे। सब लोग कॉमेंट बॉक्स में आमीन बोल दें कि इंशाल्लाह। बिल्कुल रबे ने सुनाबे मेरी जैसी नहीं है, आधी रेप्लिका है। कभी हमारे साथ बैठो तो तारीफ करे, जिसने हमारी जिससे हम लड़ चुके हैं वो हमारी तारीफ तो नहीं करेगा। छोड़।